कोई जहर नहीं जो जहरीली माया ना बना सके। ये जहर भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक और जहरीली बूटी की कमी। अभी जाकर लेकर आते। लॉरी का हाथ अचानक हवा में रुक गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन जाम हो गई है। यह मोंटू के लिए सुनहरी मौका है। कमल मोंटू, कमल मोंटू, कैसे बचाऊं और क्यों बचाऊं? रोक दीजिए मुकाबला। पार्थी, ये सब क्या है? बालवी कौन है ये? रॉनी, बुराई चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भरे, लेकिन अच्छाई के वार से उसे अंत में घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तुमने बेईमानी से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश की, लेकिन देखो अंत में तुम्हारी बेईमानी धरी की धरी रह गई। सावधान! विश्राम! बेईमानी मतलब चीटिंग? लेकिन कब, क्यों, कैसे, कहां? बालवीर सर, मैं आपको बताता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, रॉनी और प्रशिक्षक के हाथ में जो मुक्केबाजी के दस्ताने लगे हैं, वो कोई आम दस्ताने नहीं, बल्कि उसमें एक यंत्र लगाया गया है। जिसकी मदद से प्रशिक्षक कमरे में रहकर जो कर रहे थे, वो यहां मुक्केबाजी में रॉनी भी कर रहा था। अच्छा, सर ठक्कर सर के बॉक्सिंग मैच में चीटिंग?
कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा रॉनी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। हाँ सर, रॉनी को इसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्रशिक्षक को भी। हे नटखट परी, इन दोनों ने की है बेमानी, इन दोनों की हो जमकर पिटाई। वाली जी, आज तक मैंने अपने आप को ही आपके हाथों से पीटते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी और को देख रहा हूँ। मेरी छोटी सी इच्छा है, प्लीज आप इन चीटरों को और पीटिए ना। क्या बोल रहे दोस्तों? प्लीज वाली बॉय और गाइ। धार धार, विश्राम। वैसे बालवीर, क्या तो ये सब ठीक रहे हैं? हो ही जाए। ठीक है बच्चों, रॉनी भाग, ये तो बहुत पिटाई होने वाली है। हाँ। सर, मैं भाग नहीं सकता, मेरे पैर चिपक गए। मेरे भी पैर चिपक गए। हे नटखट परी, बच्चों की ख्वाहिश ना जाए ठुकराई, इन दोनों की हो थोड़ी और पिटाई। सावधान विश्राम, क्योंकि आज के मैच में रॉनी ने चीटिंग का सहारा लिया है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आज के विनर है मोंटो। सर, यस सर। बालवीर, प्लीज वो हमें माफ कर दो। बालवीर, मुझे माफ कर दो, मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। मैं भी कभी नहीं करूंगा बालवीर। ठीक, तुम दोनों को माफ। बालवीर। आपको फिर से हार बजाए जहर के। चुप करो दबा दबा, वरना मैं तुम्हें इस जहरीले बर्तन के अंदर डुबो दूंगी, समझे? क्षमा क्षमा परी भयंकर, क्षमा। कहाँ हो तुम जहरीली माया? जहरीली माया, जहरीली माया। जहरीली माया, जहरीली माया के इस जहरीले लोक में बुराई की रानी भयंकर परी का स्वागत है।
हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई जहरीली माया। ऐसा क्या हो गया भयंकर परी कि आपको जहरीली माया के पास आना पड़ा? अरे बिना मतलब के है, कहाँ जाती है? इसका मतलब है कि तुम्हारी जहर बनाने की कला मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे जहर बनाने की कला आपको यहाँ लाई है? तो बताइए क्या चाहती हैं आप हमसे? है चाहती देना परी भयंकर जहर? किसे जहर देना चाहती हैं? तौबा तौबा, तुम्हें? मुझे तुम्हारा मजाक पसंद आया। खुश हुई भयंकर परी, खुश हुई। क्या तुम्हारी जुबान की धार की तरह तुम्हारे जहर में भी धार है या? मेरा जहर? मेरा जहर मेरी जुबान से भी तेज और जहरीला होता है। बताइए कौन सा जहर चाहिए आपको? मुझे बेरंगी जहर चाहिए। बेरंगी जहर? हाँ, ऐसा जहर जिसे परिलोक की नदी के पानी में मिलाने से उसका रंग ना बदले और परियों को पता भी ना चले कि वो जो पानी पी रही है उसमें जहर मिला हुआ है। हाँ, अभी तो मेरे पास ऐसा जहर नहीं है भयंकर परी। लो, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं आपके सारे सिक्के खोटे। तबा तबा। लेकिन जहरीली माया आपसे वादा करती कि वो आपके लिए ऐसा बेरंगी जहर बना देगी। भयंकर परी खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन जहरीली माया, तुम्हें जल्दी करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दही से मिलकर हमने बालवीर को बुलाया, वरना रॉनी वो बॉक्सिंग मैच जीत जाता और बुराई की जीत होती। लेकिन हमारे बीवी ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तो हमें बड़ा मजा आएगा क्योंकि मोंटू तो अच्छा बच्चा बन गया और रॉनी रॉनी तो स्कूल छोड़ कर जा रहा है। मच्छरों, इतना खुश मत होना, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है ना उसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। अब देखो कल से मैं तुम लोग का जीना कितना मुश्किल कर दूंगा। कल से क्या, अब तू कभी भी इनका जीना मुश्किल नहीं कर पाएगा। शायद से तू भूल गया, शर्त के मुताबिक जो ये बॉक्सिंग मैच हारेगा उसे ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, शर्त लगाकर शर्त भूल गया या इतना डरपोक है कि शर्त से पीछे हट रहा है? याद है, मुझे सब याद है। मैं भले ही बुरा हूँ लेकिन अपने उसूलों का पक्का हूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं लौट के आऊंगा। तू वापस आएगा ना तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास तुम्हारी टाइटर फिश करने वाला मोंटू है। बॉस, जाते जाते पिज्जा बर्गर तो खिलाते जाओ। हाँ, अच्छा मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज खिलाऊंगा ना जो बहुत देर तक तुम्हारे पेट में रहेगा। सच बॉस, तो चलो जल्दी अभी खिलाता हूँ। ये जो मुक्के का दर्द है ना बहुत समय तक तुम्हारे पेट में रहेगा। जिंदगी में आज तक इतनी पिटाई कभी नहीं हुई।
पूरी बॉडी दर्द कर रही है। बस ये सोचकर दर्द थोड़ा कम हो रहा है कि वो बुरा रोनी स्कूल छोड़कर चला गया। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी। बैठो बैठो बैठो। हेलो मोंडू बॉस, हाउ आर यू? तुम ये क्या करने आया? जाओ तुम भी स्कूल छोड़कर चले जाओ अपने रोनी बॉस के पीछे। जाओ। सॉरी बॉस, सॉरी, हमको माफ कर दो। बॉस हम भी क्या करते, अब तो सच्चे और अच्छे बन गए। हाँ बॉस, और आपको तो पता है ना, सच्चे और अच्छे काम उसे बिल्कुल नहीं होते। बॉस अब हमने डिसाइड कर लिया है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब से हम भी सच्चे और अच्छे बनकर आपके साथ ही रहेंगे। नहीं सॉरी बॉस, गुस्सा नहीं करो। सचमुच लगा है? अरे गधो, मेरे कहने का मतलब था तुम सच्चे और अच्छे बच्चे नहीं बनोगे, और ना ही मैं। सच्चा और अच्छा बच्चा बनने के लिए मानो मेरे के टाइप के लोग चाहिए। हाँ ये हमारे बस की बात नहीं है। देखा कितनी पिटाई हुई है, पूरे एक हफ्ते तक ये बॉडी का दर्द कम नहीं होगा। वाह बॉस, अब तो लाइन पे आ गए। ये बात तो सच है कि मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चल के जीत गया, लेकिन मैं चीटिंग करके भी तो जीत सकता था ना, कम से कम मेरी इतनी पिटाई तो नहीं होती। अच्छा हुआ ये आपकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई, कम से कम आपका दिमाग तो ठीक हो गया। अच्छा बॉस, इसका मतलब है आप फिर से बुरे काम करोगे, अब सब बच्चों को सताओगे, उनका टिफिन छीनोगे, उनसे होमवर्क करवाओगे। हाँ। अरे 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 बॉस, कोई शक? सच्चे और अच्छे बच्चों, बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि ये बुरा मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी वापस आ गया है। रोहित केवल, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं मेरे बुरे काम की शुरुआत तो बच्चों की पिटाई करके करने वाला हूँ। Very good boss, very good। कौन है वो खुश नसीब? तुम्हें जानना है? हाँ हाँ। वो दो खुश नसीब है, रोहित और केवल। बहुत उछल रहे थे ना? अच्छा तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मुझे छोड़कर तुमने उस रोनी पोनी को अपना बॉस बना लिया। हाँ तुम्हारे भाग जाए। परियों, हमने परिलोक में सुरक्षा कवच लगा दिया है, अब आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। भयंकर परी अब परिलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। रानी परी, सिर्फ सुरक्षा कवच लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमारे मजबूत से मजबूत सुरक्षा कवच का भी भेद भयंकर परी ढूंढ लेती है, और फिर वो बड़ी आसानी से परिलोक में प्रवेश कर लेती है। प्रवेश कर लेती, लेकिन हर बार हमसे मुंह की खाती है वो। हाँ, क्योंकि बालवीर जो होता है उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन बालवीर हर समय परीलोक में तो नहीं रह सकता ना अटकाती परी, और इसी बात का फायदा भयंकर परी हमेशा उठाती है। हाँ रानी परी, बाल परी और भटकाती परी का डर सही है, अब सिर्फ सुरक्षा कवच से हम परीलोक की सुरक्षा नहीं कर सकते। हाँ रानी परी, हमें परीलोक को भयंकर परी से सुरक्षित करने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना ही होगा। दूसरा उपाय? हाँ रानी परी, सुरक्षा का ऐसा उपाय जिसका सामना भयंकर परी ना कर सके। हाँ, और अगर बालवीर परीलोक में ना हो तब भी परीलोक पे कोई आंच ना आ पाए। ठीक है परियों, इस बार हम परीलोक की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जिसका तोड़ भयंकर परी के पास भी नहीं होगा।